हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, प्रेगनेंसी में चेहरे पर कील मुहासों का होना आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तन की वजह से ये सब होते हैं। प्रेगनेंसी के समय कील मुहासों का होना आम बात है। ये प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को होता है। इसके लिए आप परेशान ना हो, मैं बहुत ही कारगर नुस्खा बताने वाली हूँ जिसको लगाने से कील मुहासे और उनके दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे। बहुत महिलाओं के साथ ऐसा डिलीवरी के बाद होता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी है। मुहासे प्रेगनेंसी के समय हो या डिलीवरी के बाद, ये नुस्खा दोनों में रामबाण की तरह काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है, क्योंकि यह स्वस्थ गर्भाशय के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इसके कारण तेल ग्रंथियों का निर्माण अधिक होने लगता है, जिसके वजह से मुहासों की समस्या शुरू हो जाती है। यह ज़्यादातर चेहरे और गर्दन के निचले भाग को प्रभावित करता है और इसको छूने से दर्द भी होता है। यह प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से लेकर डिलीवरी के बाद भी रहता है। ऐसे मुहासों को खत्म करने के लिए मैं आपको एक पैक बता रही हूँ। यह पैक रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर स्किन को चमकदार बनाता है। यह मुहासों के निशान को भी खत्म करता है। इस पैक को बनाने के लिए आपको लेना है एक प्याज और एक लहसुन की कली। प्याज और लहसुन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का भी खजाना है। इसके जूस में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कील मुहासों की समस्या को दूर करते हैं। प्याज और लहसुन के जूस में फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। ये स्किन सेल्स को यूवी किरणों से सुरक्षित रखते हैं। इसके डेली यूज से बढ़ती उम्र के लक्षण भी जल्दी नज़र नहीं आते। इस पैक को बनाने के लिए बस दो चीज़ें ही लेनी है, एक प्याज और एक लहसुन की कली। इन दोनों को एक साथ पीस लेना है और इस पैक को अपने मुहासों के निशान पर लगाना है। बस जहाँ मुहासे हैं वहीं लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है। लगाने के बाद 15 मिनट सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब पानी से चेहरे को अच्छे से धो लेना है। चेहरे को धोने के बाद अच्छे से पानी को सुखाकर चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा लेना है। डेली आप इसे नहाने से पहले ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे अधिक मात्रा में नहीं लगाना है। और अगर इस पैक को लगाने के बाद चेहरे पर जलन महसूस होता है तो इस पैक को लगाना बंद कर देना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर आपके सेफ्टी के लिए ऐसा कह रही हूँ। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। मैं इसको यूज़ की हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझको। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर करूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।